जीतने के बाद भी जब चुनाव आते हैं तो इन गुंडों की गर्मी चढ़ने लगती है। नमस्कार, मैं रंजन शर्मा और आप देख रहे हैं यूवी इंडिया न्यूज। मई के महीने में जिस तरह उत्तर प्रदेश के जिलों का तापमान बढ़ रहा है, उसी तरह चुनावी गर्मी भी पूरे परवान पर है। इस चुनावी गर्मी का पारा अपनी बयानबाजी से हाई कर रहे हैं सियासतदार। जी हां, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर सियासत की गर्मी बढ़ाने वाला बयान दे दिया है। सीएम ने क्या कहा वो हम आपको बाद में बताएंगे, पहले सुनिए उनका गर्मी वाला ये बयान। कि कानून का राज स्थापित करने के बाद भी जब चुनाव आते हैं तो इन गुंडों की गर्मी चढ़ने लगती है। ऐसे लगता है जैसे चुनाव आते ही इनको लगने लगता है कि जैसे अब ये लोग फिर से जनता पे अपना कहर डालने लग जाएंगे, लेकिन इनकी गफलत है ये। देश में इस वक्त लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, इस बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति हिंदू मुसलमान मुगल शहजादा महाराजा के बाद अब महाराणा प्रताप पर भी गर्मा चुकी है। इसका असर देश की राजनीति पर भी देखने को मिल सकता है। कि कानून का राज स्थापित करने के बाद भी जब चुनाव आते हैं तो इन गुंडों की गर्मी चढ़ने लगती है। ऐसे लगता है जैसे चुनाव आते ही इनको लगने लगता है कि जैसे अब ये लोग फिर से जनता पे अपना कहर डालने लग जाएंगे। 4 मई को मैनपुरी में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने रोड शो किया था। इस रोड शो के बाद करहल में महाराणा प्रताप की मूर्ति पर चढ़कर जमकर बवाल और बदसलूकी की गई। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा कि उन्होंने महाराणा प्रताप की मूर्ति के साथ बदसलूकी की है। बीजेपी इस मुद्दे पर हमलावर हो गई है। तो आपकी क्या राय है इस खबर पर, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और ऐसी तमाम जानकारी से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए यूवी इंडिया न्यूज। कि कानून का राज स्थापित करने के बाद भी जब चुनाव आते हैं तो इन गुंडों की गर्मी चढ़ने लगती है। ऐसे लगता है जैसे चुनाव आते ही इनको लगने लगता है कि जैसे अब ये लोग फिर से जनता पे अपना कहर डालने लग जाएंगे। कि कानून का राज स्थापित करने के बाद भी जब चुनाव आते हैं तो इन गुंडों की गर्मी चढ़ने लगती है। ऐसे लगता है जैसे चुनाव आते ही इनको लगने लगता है कि जैसे अब ये लोग फिर से जनता पे अपना कहर डालने लग जाएंगे।